नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2022 के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक शाम तक चल सकती है, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगी। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के मद्देनजर कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए, बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, इस तरीके के तमाम मंत्री जो है, लगभग डेढ़ दर्जन मंत्री जो है वो इस बैठक के अंदर रहेंगे श्वेता। और बड़ी बात यह है कि सभी जनरल सेक्रेटरीज के साथ साथ जो है पार्टी के जितने वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इस बैठक में वाले पांच राज्यों के चुनावों के साथ साथ जो है करंट में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कशन कैसे आगे चीजों जो है वो डिस्कशन कहा जा सकता है। ये पूरे दिन जो बैठक तमाम उन राज्यों के ऊपर होगी जहां दिनों में विधानसभा चुनाव। बिल्कुल किस आगे? बिल्कुल हिमांशु, तो आपको हम बता दें कि बड़ी बैठक होने वाली है, 11 बजे बैठक होगी, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। और इस बीच आपको हम बता दें, कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन का 7 महीना पूरा हो चुका है। 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि हर 26 तारीख को और हर 10वें दिन किसान ट्रैक्टर रैली लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। कल से ही गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ा है। किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ देश भर में आज राजभवनों के घेराव का भी प्लान किया है। अपनी मांगों को लेकर किसान ट्रैक्टर के साथ देश भर में प्रदर्शन करेंगे। किसान के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो के 3 स्टेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। ये तीनों स्टेशन दिल्ली विधानसभा और राजभवन के पास है। हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। 7 महीने हो गए आज, किस तरीके की तैनाती, किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ करने वाले आप लोग? ये तो यहाँ पे आंदोलन है, ट्रैक्टर लेकर लोग आ रहे हैं, 2 जिलों के लोग हैं। दिल्ली का ट्रैक्टर रास्ता ना भूल जाए, इसलिए अपने ट्रैक्टर से आते हैं, कोई और तो साधन हमारे पे है नहीं। तो आज क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आंदोलन को आज गवर्नर के यहाँ पे पूरे देश भर में ज्ञापन जाएगा, लोग अपना रोस मार्च निकाल लेंगे और उनको ज्ञापन देंगे, ये तैयारी है। यहाँ पे भी अपना मीटिंग चलेगी, जो मन चलता है रूटीन वो चलेगा। सभी लोग जाएंगे या कुछ आपके जो लीडर्स हैं वो जाएंगे और आप भी जाएंगे? नहीं, हम नहीं जा रहे, जो दिल्ली की यूनिट है वो जाएगी दिल्ली में, और अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। आप यहीं रहेंगे। 7 महीने हो गए दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर आप लोग बैठे हुए हैं, कहाँ देख रहे हैं आंदोलन को? सरकार सुन नहीं रही, आंदोलन चल रहा, सरकार सुन रही। लोकतांत्रिक देश में, देश जब आजाद हुआ तो ये नहीं सोचा था कि अपने ही देश में, स्वतंत्र देश में इस तरह का फिर किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। तो आगे अब आप बातचीत बंद है, तो बातचीत कैसे, बातचीत का रास्ता कैसे हो, कैसे बातचीत शुरू हो, इसकी क्या कोशिश हो रही है? हमने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि दोबारा बातचीत शुरू करवाओ। उनका जवाब आया कि कंडीशन उनकी है कि कानून वापसी नहीं होगा और बात कर लो। ये गतिरोध कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा आपको? अभी तो नहीं आ रहा, हो जाएगा 1-2 साल। इन 7 महीनों में कई सारी विवाद भी जुड़े, कई सारी नई चीजें भी आंदोलन के साथ जुड़ी। जब आप लोग दिल्ली पहुंचे थे 26 नवंबर को, 7 महीने पहले, तो उसके बाद और भी चीजें जुड़ती गईं। कई ऐसे संगठन पहुंचे जिन्होंने यूएपीए में बंद लोगों को छोड़ने की बात कही, कुछ बाद में चीजें बढ़ती गई, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो इस एजेंडे में नहीं है, वो नहीं है। और पूरे देश के जो और मसले हैं वे एजेंडे में है। किसान नेताओं के इन हमलों के बीच सरकार ने फिर किसानों से बातचीत के संकेत दिए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम किसानों के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत का आखिरी दौर 22 जनवरी को हुआ था। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल
ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने MSP को बढ़ाने का काम किया है, MSP पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए भी तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार आप तैनात हैं और लगातार वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई जो पुराने मुद्दे हैं वो जस के तस रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर इधर से ये कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं होगी, बाकी वो चर्चा के लिए तैयार है। आगे का रास्ता क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं किसान नेता? देखिए, यही मेरा सवाल था उससे कि गतिरोध जो है, क्योंकि जब बातचीत इन्होंने एक चिट्ठी लिखी सरकार को और चिट्ठी में ये लिखा कि बातचीत शुरू की जाए, तो इनका कहना था कि सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, राकेश टिकैत जी को कहना है, उस जवाब में लिखा था कि जो कानून है वो वापस नहीं लिए जाएंगे। अब आप बताएं कि बात आगे कैसे बढ़े, तो इसका इनका कहना है कि गतिरोध तो बना ही हुआ है और वो गतिरोध कैसे खत्म होगा इसका रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वक्त लगेगा, अभी ये भी कह रहे हैं 1 साल का वक्त लगेगा, तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से जो आज ज्ञापन देने जा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। और इस दौरान पिछले 7 महीने में राकेश टिकैत का कहना है कि वो 16 राज्यों के किसानों से अलग अलग उन्होंने मीटिंग की, यानी 7 महीने पहले जो मांग लेकर के ये पहुंचे तो उसमें कई सारी चीजें भी जुड़ती चली गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में किसान आंदोलन तोड़ने के लिए सरकार पर लोकतंत्र की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। चिट्ठी में कहा गया है कि देश के अन्नदाताओं ने 74 साल से हर जिम्मेदारी निभाई है, जान की परवाह किए बिना देश का खाद्यान्न भंडार खाली नहीं होने दिया है और इसके बदले 3 काले कानून से हमारी नस्लों और फसलों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर देश में सुगबुगाहट तेज हो गई है। देश भर में नए वेरिएंट के अभी तक 52 मामले सामने आ चुके हैं, साथ ही 12 राज्यों तक इसकी पहुंच हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इसी के चलते ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कड़ी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।